200 सालों के इतिहास के बाद इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रही है 12 में से 4 राशि वालों की किस्मत। न केवल मिलेगा इनको भाग्य के साथ बल्कि इनके जीवन में होगी धन की वर्षा। आपको बता दें दोस्तों, साल 2023 का महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में ग्रहण का समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। ग्रहण के काल के समय को बहुत ही अशुभ भी बताया जाता है। इस दौरान आप कुछ कार्य बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि 20 अप्रैल 2023 को सूर्य ग्रहण लग चुका है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा बन रहा है कि जस्ट इसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। बता दें दोस्तों, बताया जा रहा है इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 4 राशियां ऐसी होंगी जिनको न केवल इनके भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि इनके जीवन में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चलाएगा। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष पढ़ाई की माने तो बताया जा रहा है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा बल्कि आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 4 राशियां तो ऐसी होंगी जिनके जीवन में धन सुख वैभव की वृद्धि होगी, इनको भाग्य का साथ मिलेगा, इनकी किस्मत चमक जाएगी, या जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। इनके जीवन में धन की वर्षा के साथ इनको ये देखने को मिलेगा कि धन इनके पास चुंबक की तरह खींचा हुआ चलाएगा। कुल मिला के इनके जीवन काल में इनको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगने के बाद इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से पड़ता ही पड़ता है। मतलब कि आप किसी भी राशि के हैं, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको अपने जीवन में एक न एक बदलाव देखने को मिलेगा ही, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण के बाद होता यह है कि कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनका दुर्भाग्य उनके पीछे पड़ जाता है और कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनका भाग्य उनके साथ ऐसा शुरू हो जाता है देना कि वो जो भी कार्य शुरू करते हैं उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ बताया गया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। और दोस्तों, इस बार चंद्र ग्रहण शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन मतलब ये होता है कि यह दिन होता है माता लक्ष्मी जी का दिन, और इस दिन आप थोड़े से भी उपाय करेंगे तो ना केवल आपको चंद्रदेव जी की कृपा मिलेगी बल्कि माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा है, चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब होगा, सवाल तो बहुत सारे हैं और हर सवाल का जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और चंद्रदेव जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा धन आए और भगवान चंद्रदेव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ दे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें जय चंद्रदेव जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो चंद्र के दौरान आप करके लाभ उठा सकते हैं, तो वो दोस्तों हम आके आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए दोस्तों सबसे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बता दें, इस बार चंद्र ग्रहण जो होगा वो लगेगा 5 मई को। चंद्र ग्रहण की जो शुरुआत होगी वो शुक्रवार की रात 8:45 पर होगी। चंद्र ग्रहण की जो समाप्ति होगी वो 1:02 पर होगी। मतलब चंद्र ग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 4:17 की होगी। अब कब लगेगा सूतक काल चंद्र ग्रहण का, तो बता दें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण 9 पहले ही सूतक काल में आ जाता है। मतलब कि चंद्र ग्रहण लगेगा दोस्तों 8, इसके 9 पहले ही इसका सूतक काल शुरू हो जाएगा। तो अब आप लोग को हम बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान आपने कोई भी गलती कर दी तो दोस्तों आपकी जो चंद्रमा कुंडली में होगी वह नीच राशि पर चली जाएगी और इससे चंद्रदेव जी आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाएंगे, जिसके बाद आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा और आप अपने जीवन में दुर्भाग्य दरिद्रता से घिरे रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से सुनेगा ये जो बातें हम आपको बताने आ रहे हैं, क्योंकि यह बातें ऐसी बातें हैं जो हमारे धर्मशास्त्र वास्तुशास्त्र तंत्र शास्त्र में लिखी हुई हैं और इन सब बातों का ध्यान अगर आप चंद्र ग्रहण के दौरान करते हैं तो कभी भी आपको दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान आपको ये सावधानियाँ बरतनी होगी। चंद्र ग्रहण के दौरान ना तो खाना बनाया जाता है ना खाना खाया जाता है। अगर आपके घर में मंदिर है तो मंदिर का पट तुरंत ही आपको बंद कर देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। मानसिक रूप से आप जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान ना तो आप शराब का सेवन कीजिएगा ना किसी तामसिक भोजन का सेवन कीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन अगर आप जाने अनजाने शराब या तामसिक भोजन चंद्र ग्रहण के दौरान छू भी लेते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासतौर से इस बात का ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण जितनी देर चलेगा उतनी देर आपके घर के बच्चे जो हों वो घर के अंदर होना चाहिए। इसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के दौरान आपको अपने घर की महिलाओं को एक बात को समझाना होगा कि वो गलती से भी ना कंघी करें ना कंघी को देखें। इसी तरीके से घर की महिलाओं से निवेदन है हमारा कि किसी भी नोकीली चीज़ को हाथ ना लगाएं, जैसे कैंची, छुरी, सुई, पिन, इन सब चीज़ों से आपको विशेष करके दूर रहना होगा। और दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान पति पत्नी गलती से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है और दोस्तों यकीन मानिए, इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको चंद्र देव जी का कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको हम वीडियो में बताएंगे कि इस चंद्र ग्रहण के बाद वो 12 में से 4
खुश नसीब राशियां कौन हैं जिनका जीवन पूरी तरह से बदलने जा रहा है, जिनके जीवन में ना केवल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आएगा बल्कि चंद्रदेव जी का वो आशीर्वाद आएगा कि इनको इनके भाग्य के साथ मिलेगा और ये अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के बाद बताया जा रहा है जो सबसे पहली मेष राशि है उसको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। मेष राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है, इस चंद्र ग्रहण के बाद जितना भी समय होगा आपका वह बहुत ही ज़्यादा शुभ साबित होगा। इस दौरान न केवल आपके अंदर आपके कार्य को लेकर के विश्वास बढ़ेगा बल्कि अगर आप कारोबारी हैं तो आपके कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। जीवन साथी के कार्य क्षेत्र में भी मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आप टूट चुके थे, तो अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी। शादी के भी काफ़ी तरीके के संयोग बन रहे हैं। मेष राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आप लोग अपने जीवन में ना केवल आगे जाएंगे बल्कि चंद्रदेव और माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी कि आपके जीवन से धन संबंधित कई परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। आपने जो कर्ज ले रखा था उस कर्ज के बोझ से जो आप परेशान थे उस बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या करना है देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपके ऊपर कई तरीके के प्रभाव पड़ सकते हैं जो नकारात्मक प्रभाव हैं, तो इससे बचने के लिए आपको प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिवालय जाना है, एक लोटा जल मुख उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना अगर आप प्रत्येक सोमवार करना चालू कर देंगे तो ना केवल आपको यहाँ पर भगवान महादेव जी का बल्कि माता पार्वती जी का वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद कोई भी कष्ट का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी राशि है दोस्तों सिंह राशि। अगर आप सिंह राशि के हैं तो आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कोर्ट कचहरी में जो आपका मामला चल रहा था उस मामले में आपको जीत हासिल होगी। मार्केट में जो आपका पैसा फंसा हुआ था वहाँ से आपका पैसा निकल करके आ जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद अगर आप कोई नए व्यापार की शुरुआत करते हैं उस नए व्यापार में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और वह व्यापार बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आपके जीवन काल में जो आपने पैसा कुछ फंसा रखा था जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी वापस मिलने की, दोस्तों इस चंद्र ग्रहण के बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं कि आपका फंसा हुआ पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके जीवन काल में पैसा चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। अब इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या करना है तो आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा, इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रत्येक मंगलवार को किसी भी हनुमान मंदिर जाएं, वहां पर एक चमेली के तेल का दीपक जला दें। चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद बैठे बैठे वहां पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। इतना करने भर से आपको हनुमान जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आपका मंगल ग्रह बड़ा ही मजबूत हो जाएगा और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी खुश नसीब राशि है मकर राशि। देखिए मकर राशि वालों के लिए तो चंद्र ग्रहण बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। इस दौरान न केवल आपको अपनी नौकरी में प्रमोशन देखने को मिलेगा बल्कि नई प्रॉपर्टी और वाहन भी आप खरीद सकते हैं। व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हुए मकर राशि के लोगों को धन लाभ मिलना तय है। बताया जा रहा है कि नया व्यवसाय शुरू करने का सबसे अच्छा मौका है इस चंद्र ग्रहण के बाद। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, प्रत्येक बृहस्पतिवार को अगर आप किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ को एक एक लोटा जल अर्पित करते हुए वहां पर 3 परिक्रमा कर लें तो इससे आपको भगवान विष्णु जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आपका राहु केतु तारे ग्रह आपका साथ देना चालू कर देंगे। आखिरी खुश नसीब राशि है तुला राशि। देखिए तुला राशि वालों को अपने जीवन में धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ना केवल आपके जीवन में आपके तारे ग्रह आपका साथ देंगे बल्कि आपकी कुंडली में जो चंद्रमा नीच राशि पर चला गया था उस चंद्रमा की नीच राशि से जाने का अब जो प्रभाव होगा वो लगभग ना के बराबर हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।